पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सबा करीम ने सुझाव दिया है कि टीम प्रबंधन को शिखर धवन के साथ तभी आगे बढ़ना चाहिए जब वो उन्हें लगे कि 275-300 का स्कोर काफी है। करीम ने कहा कि धवन ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो 130-140 के स्ट्राइक रेट से बड़े रन बना सकते हैं। युवा ईशान किशन द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार दोहरा शतक जड़ने के बाद वनडे टीम में अनुभवी सलामी बल्लेबाज का स्थान खतरे में पड़ गया है। शिखर धवन ने पिछली 11 वनडे पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया है जो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में ईशान किशन और शुभमन गिल जैसे युवा सितारों ने इस साल अपने लगातार प्रदर्शन से कई लोगों को प्रभावित किया है। करीम को लगता है कि टीम में धवन के लिए कोई जगह नहीं है अगर भारत ने 325 और 350 का स्कोर बनाना है। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन को ये तय करना होगा कि वो किस स्कोर को लक्षित करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक ही सलामी बल्लेबाज का चयन करें। करीम ने सोनी स्पोर्ट्स पर एक चर्चा में कहा ये टीम प्रबंधन पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर टीम प्रबंधन अभी भी मानता है कि 275-300 उनका लक्ष्य है तो आपको शिखर धवन की जरूरत है क्योंकि वो अभी भी उस तरह के खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अलग बात है कि उन्होंने इस सीरीज में रन नहीं बनाए हैं लेकिन अगर आप उन्हें दोबारा मौका देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 275 और 300 ही स्कोर बनाना है तो शिखर धवन की जगह वर्ल्ड कप तक रहेगी लेकिन अगर हमने तय कर लिया है कि हमारा स्कोर 325 और 350 के पार जाएगा तो धवन के लिए कोई जगह नहीं है। शिखर धवन की बांग्लादेश के खिलाफ एक भूलने वाली सीरीज थी क्योंकि उन्होंने 3 मैचों में 7-8 और 3 की कम स्कोर दर्ज किए। करीम ने आगे कहा कि इसलिए काफी कुछ चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन कप्तान पर निर्भर करेगा कि आपसे क्या उम्मीदें हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि शिखर धवन 350 रन के खेल में 130-140 के स्ट्राइक रेट से बड़ी पारी खेलेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। करीम ने आगे कहा कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत 2-3 साल पीछे है और ये सेटअप में नए खिलाड़ियों को पेश करने का समय है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें बहुत कुछ हासिल करना है। मुझे लगता है कि हम सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में 2-3 साल पीछे हैं और वहां पहुंचने के लिए हमें नए खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी हमें चाहिए होंगे। साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।